आज हम खाएंगे वड़ा पाव। वड़ा पाव बनाना बहुत ही आसान होता है, खुली होता है वड़ा पाव, ये लिखा बड़ा पाव। हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। और आज के व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लेट, मतलब कम से कम मुझे लगता है एक से ज़्यादा ही बज गया है। और कॉफ़ी वॉफी हमारी हो चुकी है जो सुबह उठ के हम पी लेते हैं। और अभी मेरा मन कर रहा था वड़ा पाव खाने का दो तीन दिन से, तो पिंकू जी को मैंने बोला वड़ा पाव बनाओ, तो वो बना रहे हैं अपना वड़ा पाव। और हेलो करो गाइस को। हाय गाइस। हेलो गाइस। गाइस कैसे हो गाइस? और ये वाला स्टाइल कैसा लगता है हमारा गाइस वाला? और आज हम खाएंगे वड़ा पाव। वड़ा पाव बनाना बहुत ही आसान होता है। आसान ही तो होता है और क्या होता है, मुश्किल होता है। हाँ, क्या चटनी देखो अलग बनानी पड़ी, आलू बॉईल करने पड़े। अच्छा, जो मम्मियां घर में आलू की रोटी बनाती है वो मुश्किल नहीं होती? वो बैटर आलू की रोटी मुश्किल नहीं है, ये बैटर बन जाता है 5 मिनट में, आलू उबल जाते हैं, बाकी सारा काम हो जाता है। जब मैं इसको बना के खिलाता हूँ तब आसान होता है, जब ये बनाते हैं तो मुश्किल होता है। और आज गाइस मैंने एक ड्रेस मंगाई थी बाहर से, चाइना से, काफ़ी टाइम पहले की एक्चुअली, आज नहीं है, नाइट सूट है। और वो भालू वाला आया थोड़ा पहन के, डैब के साथ प्रैंक करेंगे। नमक, मिर्च, रेड चिल्ली और नारियल का पाउडर और लहसुन, इसकी चटनी है। नॉर्मली होता है बड़ा पाव, ये लिखा बड़ा पाव। ये आलू है और हरी मिर्च है, कड़ी पत्ता है, जैसे आप आलू की रोटी बनाते हो ना वैसे सारा सामान करना है, बस कड़ी पत्ते का तड़का अलग लगता है। इसमें हमने डाला नमक, मिर्च, हल्दी प्लस 1 चम्मच तेल, और पानी में इसका बैटर बना दिया और नींबू डाला है, नींबू से क्रिस्पी हो जाता। तो गाइस आज का क्या प्लान है गाइस? प्लान ये है कि हम वड़ा पाव खा रहे हैं, हाँ, उसके बाद हम बुक माई शो पे देखते हैं क्या मूवी देखने जानी है। आज शायद हम एक और प्लान है कि हम डॉल म्यूजियम देख के आए। आपको डॉल दिखाई थी मैंने पिछली वीडियो में एक, और अगर नहीं देखी इंस्टाग्राम पे जाके रील्स देख लो। ओहो भाई साहब, ऐसी डॉल लगती ही नहीं, डॉल बच्चा लगता है, ओरिजिनल बच्चा। तो मेरी पलक नहीं चपकता, बाकी सब हाँ, तो मेरी दीदी ने रखा हुआ है। तो दिल्ली में भी एक म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम, जहाँ पे मतलब बढ़िया बढ़िया डॉल्स का कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है हम देख के आएंगे। यहाँ पे अंजू आते हुए गाइस, जो तेल होता है ना ये जब चलता है ना इतने ज्यादा अंजू आते हैं ना। और आज हम बना रहे हैं दो तीन तरह के वड़ा पाव। हाँ, इसको छोटा कर दो ना। और एक हम बना रहे हैं शेजवान सॉस वाला और एक बना रहे हैं सिंपल। बस क्यों कर रही है इसको? वड़ा पाव बहुत ज्यादा तरीके के होते हैं, अगर नहीं खाए गोली वड़ा पाव पे जाओ, वहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके के आते हैं, महाराजा, शेजवान, तंदूरी, चीज वाले भी आ गए आजकल तो। अरे पिंकू ये क्या कर दिया तुमने? ये तेल देखो, झाग झाग हो गई है तेल में, पता नहीं इसने ठंडे में डाल दिया, क्या कर दिया ये, क्या कर दिया ये, हमारी समझ के बाहर हो रहा है, पर बन जाएगा कोई। तुमने इसमें सरफ सुरफ तो नहीं डाल दिया? समथिंग मोर रिस्पेक्टेबल यार। हैं, लग मुझे ऐसा ही रहा कपड़े धोने की जगह इसमें डाल दिया हो। तुम ना चुप करो, ठीक है, दिमाग मत खराब करो मेरा। ये गुद देख लो क्या हो रहा है वहां पे, ये तो ऐसा लग रहा है सरफ के बाल्टी में पकोड़े डाले। ये मुझे लगता है तुमने कपड़े पे डालने गई थी ना सरफ को, लीडर डाल दी है। क्यों, किस लिए? इधर हमारे भाई साहब सो रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या हो गया, रात पर सोए नहीं थे क्या? हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गेंडा बन गया है तू। और डालू धुआं पता नहीं कहाँ कहाँ से आएगा फिर। इसको हम ऐसे दबा देंगे, ऐसे ही डाल दो ना। इसके ऊपर हम लगाएंगे हरी मिर्ची, ये किट्टू जी ने फ्राई किया, इसका क्या बन गया। तो गाइस ये लगी हमारी दुकान वड़ा पाव की, छगन लाल पकोड़े वाले के साथ। अब इसको ऐसे करो, सोने का फॉइल लगा के सोने का बना दो, दुबई में बहुत महंगा बिकता है, वहां पे रेडी लगाते हैं हम। अच्छा नहीं, तुम देखो तीन तीन खा रहे हो, शर्म है। तो आज टेस्ट करते हैं, छगन लाल जी आपने ये रेडी कब खोली? अभी खोली, जस्ट पहले ग्राहक आप हैं। तो छगन लाल जी, आपके गुरु का नाम भी छगन लाल था हमने सुना है? नहीं, उनका नाम मगन लाल था। ओहो, हमें गलत हो गया गाइस। और इसमें आप बटर डालते हो? ज्यादा बोलिए मत और खा ली। चीज डालते हो? चीज, अरे पागल है, ये ठंडे हैं वैसे।
ठंडे ही होते हैं और हाँ ठंडे होते हैं, हमें पता नहीं था। छगनलाल जी आपकी चीज विदाउट चीज और विदाउट बटर चल जाएगी मेरी। हाँ छगनलाल जी अपने ही रेडी का प्रोडक्ट का प्रदर्शन करते हुए और उसको बोलते हुए वाओ। छगनलाल जी बहुत अच्छा लगा आपके बड़ा पाव खा के, बहुत ज्यादा मजा आया। भी बहुत अच्छा लगा आपके पैसे मिले हैं। तारीफ करने के इन्होंने हमें पैसे दिए और हमने इनको इनका खाना अच्छा लगा तो हमें पैसे दे दिए, अभी हम ले लेंगे। बड़ा पाव तो स्वाद थे, पांडे भी रख के आओ, जाओ चलो चलो ये रख के आओ, काम करा करो छगनलाल जी। मैं देखो छगनलाल जी कैसे बोल रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए बुलवा लेते हैं और बाद में पांडे हमसे उठवाते हैं। गाइस हमें बर्तन उठाने पड़ रहे हैं, बताओ हम नहीं आगे से वीडियो बनाने आएंगे। डैब इज एंजॉयिंग, डैब बालकनी का मजा लेते हुए अपनी मम्मी के साथ। डैबी ओहो कैमरा, डैब पति बच्चे बुला रहे हैं, बच्चे डैब बच्चे बुला रहे हैं तुझे, कह रहे डैब भाई आजा। डैब के बहुत सारे फ्रेंड हैं इस मोहल्ले में, है ना डैब। हेलो टीना देवी, कहाँ बना रही हो यार? सब्जी जल गई। जल गई सिम पे। हाय हाय हाय, ये इसकी दुकान लग गई टीना देवी की, देखो पूरा दुकान का सामान देखो चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो वो तो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करते हैं। यहाँ आके आई है सारी खुशबू। चुप रहो। चलेगी वहाँ करनी, अंदर नहीं पता लग रही थी। और तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है, सही चल रही है? साफ तब आया नहीं आया ये सारा। तो पिंकू जी काफ़ी थक चुके हैं, सूट बना बना के काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर दी है। आओ तुम्हारी बाजू में दबाएं। उल्टा बन गया, उल्टा बन गया। और कोई नहीं, पहले दिन दुकान खोली है ना तुमने, अभी ऐसा ही होगा, अभी कपड़े नुकसान होंगे बड़े अभी तो। अभी खाने के बाद फिर जाऊँगी। हाँ सही बना लगी हुई है 3 घंटे की, 3 घंटे बाद। मैं ना अपने घर में भी ऐसे करती थी। क्या पापा ने दोपहर को सोना आके और मैंने ना खड़ मशीन की करी। पापा ने कहा ना इसको ऊपर ले जा, मेरे सामने मत कर, और फिर मैंने बना दिया ना गलत। क्या हो गया, बड़ी खुश आई हो, क्या हो गया, क्या आखिरकार टीना देवी तुमने बना ही दिया। ये देख मम्मी ने कितना काम कराया आज, अपने कपड़े सी रही है, बताओ आधा बन गया। देख ले मम्मी ने YouTube से सीखा है, आधा बन गया देख। दैट क्या बात है, वाह वाह पिंकू जी वाह वाह टीना देवी गुड। अब तेरी मम्मी का बुटीक खुला और डैब नीचे उतर। पहले मैं रोज कंटेंट ढूंढता रहता था, डेली कंटेंट ढूंढता रहता था कि टीवी पे कुछ तो नया आ जाए। अभी 1-2 हफ्ते से हमें डेली कोई ना कोई सीरीज मिल ही रही है, डेली कोई ना कोई सीरीज मिल रही है रात को या सुबह। रात के 4 बज रहे हैं सुबह के, सुबह शुरू करते हैं और रात पूरी रात चलती रहती है, सुबह सोते हैं। पढ़ लो बेटा टाइम है अभी, पढ़ लो। फ्रेंड्स गुड़ खा लो। नहीं तो गाइस आज अब आपको दिखाते हैं लाल क्वार्टर, लाल क्वार्टर की मार्केट गीता कॉलोनी काफी ज्यादा मशहूर है, काफी आइटमें मिलती हैं, खाने पीने में मिलती हैं और लड़कियों का भी काफी ज्यादा सामान मिलता है। छगनलाल पामवाल जी वाले ने अपना काम चेंज कर लिया, फटाफट ही चेंज कर लेते भाई साहब काम, वो चल नहीं रहा था आपका काम, ग्राहक नहीं आया कोई, दूसरा काम इनका सूटों वाला। तो अगर आप बना के दिखाऊंगी, हाँ अगर इनका सूट ठीक बैठता तो आप भी दे सकते हो, सबसे सस्ती सिलाई दिल्ली में। छगनलाल सूटों वाली गाइस इन्होंने अपना नाम चेंज करके टीना देवी रख लिया, इनका छगनलाल वाला काम चला, टीना देवी चल जाएगा कह रही। तो मैंने टीना देवी इनका इन्होंने अपना काम सूटों वाला का टीना देवी रखा, छगनलाल चला नहीं ना इनका। लीला देवी अपने सामान का
रॉ मटेरियल ले रही है नई दुकान का। लीला देवी इतना सारा सामान ले आई अपनी नई दुकान के लिए। लीला देवी इतना सामान उठाएंगे घर कैसे लेके जाएंगे हैं लीला देवी। तो ये गाइस लाल क्वार्टर की मार्केट, ये देखो कृष्णा नगर लाल क्वार्टर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, अभी नहीं है अभी है भीड़ है, भीड़ दिखाते हैं आपको। लीला देवी ने नई दुकान खोली है तो इनको शूज भी लेके देने पड़ेंगे। तो टीना देवी शॉपिंग करके आ गई नए अपने उसके लिए। अभी मैं दिखाऊंगी सूट कौन सा बनाना है मैंने। ये गाइस हमारी ग्रीन टी आ गई है और ये पीनी बहुत ज्यादा सही होती है अगर सर्दियों में और गर्मियों में। ये जब भी आप पतले होने के लिए नहीं होती। क्यों नहीं होती पतले होने के लिए? ये पतले नहीं करती। और क्या करती है ये? इसको पी पी गई तो मोटी हुई है तभी तो बोल रही है मुझे लगता है। घूम के आया वहाँ कोई मिली नहीं मिली मजा आया अपनी बस पता नहीं क्या शेर की तरह ढूंढता रहता है ढूंढता रहता है शेरों की तरह। तो अभी मैंने ड्रेस पहन ली है ब्रैंक करते थे तो उसकी पूंछ भी तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। काफी ज्यादा टाइम हो चुका, काफी आज तक सबसे ज्यादा तो ये थकी आज टीना देवी की नई शॉप थोड़ी कड़बड़ाई चल रही है, पहला दिन है ना थोड़ा। तो बाकी सूट सिलवाने हो बड़ा पाओ छगन लाल सूट सिलवाने के लिए इन्होंने डिफरेंट नाम रखा फर्म का टीना देवी, आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। नमस्ते करके धन्यवाद गाइस। और ये वाली दोनों वीडियो देख लें और ये वीडियो देख के भी हमें प्यार दें क्या ही कह सकते हैं। और लाइक नहीं करते यार इतना सा तो काम। एक बटन ये देखो ये वाली वीडियो देखो और बीच में से सब्सक्राइब कर दो कमेंट लाइक।